टीटी संघ नाराज दोस्तों है कि कैसे आप सब मैं मंसूर शामिल किया जा रहा है आपके लिए आज आपको बता दूं कि ये अभी बता रहा हूं कि राजतंत्र नहीं है लोकतंत्र मंसूर अहमद और आपको आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें धन्यवाद एनएचडीएलएड के खिलाफ एक मोर्चा खुले हुए है कि एनएचडीएलएड को भर्ती में शामिल ना किया जाए अगली भर्ती में शामिल किया जाए आपको बता दूं कि एनएचडीएलएड केंद्र सरकार ने करवाया है एनसीटी से अप्रूव्ड है और ये पटना हाई कोर्ट का जजमेंट पंजाब का जजमेंट जितने भी जजमेंट है वो पहले ही हाई कोर्ट से अप्रूव्ड हो चुके हैं अभी एक सुनवाई हुई हेयरिंग नेक्स्ट है 1 मार्च उसमें एनसीटी का जवाब मांगा गया है निदेशालय का जवाब मांगा गया क्योंकि ये केस किया गया है सरकार के ऊपर और एनएचडीएलएड का जब हनन होगा फिर वो कोर्ट जाएगा क्योंकि इसको तीसरी पार्टी अभी तक इसको सुना ही नहीं गया जब सुनेंगे तो आपको पता है कि जब दोनों की बातें सुनेगा तो कुछ ना कुछ फैसला निकलता है आपको समझा दूँ कि जो एनसीटी है वो पूरे देश का मानक तय करता है एनसीटी के थ्रू ही एनएचडीएलएड है बीएड भी 1 साल का भी एनसीटी के थ्रू ही था और 2 साल का भी लेकिन वो मान्य है अब 2 साल का कोर्स है हमारा डीएलएड लेकिन एनआईएस ने इसको 18 महीने में पूरा कराया था मतलब कोर्स 2 साल का ही लेकिन 18 महीने में पूरा कराया गया ये केंद्र सरकार के द्वारा कराया गया है आप भी जानते हो कि भारतीय संविधान के द्वारा संघीय स्थिति में आता है संघीय भाग में आता है ये एनसीटी भी भारतीय संविधान द्वारा बनाया गया है अगर ये संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं हमें पता है कि हाई कोर्ट कभी भी संविधान के दायरे से बाहर नहीं जाता है अगर ये लोग संविधान का पालन नहीं कर रहे इसका मतलब ये है कि एनसीटी को भंग कर दे फिर उसको क्या ज़रूरत है उसके मानक चुनने की सभी जानते हैं कि एनसीटी ने जो भी कोर्स कराती है वो पूरे देश का मानक तय करती है एक चीज़ दूसरा जो केंद्र सरकार रूल बनाती है उसको राज्य सरकार कभी भी उस पर गलतियाँ नहीं निकाल सकती ना इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है लेकिन केंद्र सरकार को दायित्व है उसका हक बैठता है कि वो राज्य सरकार जो भी कानून बनाती है उस पर वो संज्ञान ले सकते हैं लेकिन राज्य सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले सकती है लेकिन राज्य सरकार भी एनसीटी का जो आदेश है पूरे देश में वही चल रहा है एनसीटी का तो आपको बता दूं कि ये जो धरना दे रहे हैं इससे एक चीज़ तो ये है कि जब वे धरना दे रहे हैं आप सभी जानते हैं कि धरना जब तक चल सकता है जब कोर्ट में मामला ना गया हो कोर्ट में मामला गया हो तो धरना किस चीज़ का दे रहे हैं सबसे बड़ी बात ये जब ये कह रहे हैं कि एनआईए को बाहर निकाल दे क्यों आप लोग इसमें इन्वॉल्व हो इस इन पर कोई केस नहीं कर रहा है ना कोई इनको सरकार के द्वारा हटाया नहीं जा रहा है सबको पता है कि जब केस चलता है तो कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होता है तो आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें धन्यवाद